राजस्थान में 20वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त मैं आपको बताऊं तो पेट्रोल के दाम जो जयपुर में है 87.23 रुपये, यानी कि इसमें 23 पैसे का आज इजाफा हुआ है। और जो डीजल के दाम भी यदि आप देखेंगे तो उसमें आज 17 पैसे का इजाफा हुआ, 80.97 रुपये पर पहुँच गया है। असर पड़ रहा है सर, लगातार रोज बढ़ रहे हैं। असर पड़ रहा है बिल्कुल। कितना फर्क पड़ रहा है आपको? तो करीब करीब 100 पे पहुंचने वाला है। देखो जी, बहुत बुरी हालत है गरीब इंसान की। सरकार को मतलब कुछ नहीं कर रही है, रेटें बढ़ाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। सर आप कुछ बता रहे थे? सर मैं ऐसे कहना चाहता जेम के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है, काम धंधा वैसे नहीं है, 100 की जगह हमको 50 का डाला के काम चलाना पड़ रहा है। सरकार को देखना चाहिए, पेट्रोल के दाम थोड़े कम करने चाहिए। सरकार को पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए। भाई साहब आप तो शायद कोरियर वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता होगा। पेट्रोल 90 रुपये करे क्या? तो सर अब करे क्या, ये पेट्रोल के मार से हम भी, हमारे भी नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन तनख्वाह वाड़ी भी नहीं मिली और ये पेट्रोल भी महंगा है, तो अब करे क्या, चला रहे हैं काम। कम होने की उम्मीद लग रही है कहीं? सर करना चाहिए गवर्नमेंट को कम। सर ये तो बढ़ाया रहा, बोल के उल्टा बढ़ा ही रहा है इसको, पेट्रोल को। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाए ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा। ये देखिए मैं आपको फिर से दाम बताता हूँ, ये जो पेट्रोल है 87.23 रुपये यहाँ पर हो गया है। यदि आप स्पीड का पेट्रोल डलाएंगे तो आपको उसके लिए 90.63 रुपये, यानी कि इससे करीब 3-3.5 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। 23 पैसे का एक दिन में इजाफा, कल 17 पैसे का हुआ था, आज 23 पैसे का। डीजल में कल 17 पैसे का इजाफा हुआ था, आज फिर से 17 पैसे का इजाफा हुआ है। लोग हैं मजबूर हैं, कामकाज के लिए जाना ही है, पेट्रोल तो भराना ही पड़ेगा क्योंकि सारा काम इन लोगों का गाड़ियों पे ही होता है। हालांकि इतना तो है कि जयपुर में लोगों ने अब गाड़ियां चलाना थोड़ा कम कर दिया, जब ज़रूरत है तभी चला रहे हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं वो लोगों के लिए मुश्किल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।